नेक्स्ट बाउट गुरपत सिंह महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब रेड कोस्टल प्रहलाद यादव अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या नेक्स्ट बाउट 74 के जी नेक्स्ट बाउट आशीष की चंडीगढ़ लिंकन सिंह यादव अयोध्या डॉक्टर राम देखिए आज यहाँ पे चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप है रेसलिंग की और उस इसके उद्घाटन में हम आए हैं और खिलाड़ी हैं तो खुशी होती है कहीं भी कोई टूर्नामेंट होता है और यहाँ पे एक पूरे हिंदुस्तान से पहलवान कुश्ती लड़ने आए हैं लगभग 170 यूनिवर्सिटी अभी बता कि 170 यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये खेलों में हिंदुस्तान के बढ़ते प्रभाव का बढ़ता एक अच्छे बढ़ते माहौल की ओर कदम है और हमारा मानना है कि जैसे कि अभी ओलंपिक में हमारे 7 मेडल आए थे हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बेहतर ये प्रदर्शन रहा है टोक्यो ओलंपिक और उसी से हमें फायदा हो रहा है कि हर खेल में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उनके अभिभावकों भावक खेल की तरफ आकर्षित हुए हैं और मेरा मानना है कि आने वाला दौर हिंदुस्तान का ओलंपिक में भी होगा और हमारे हर ओलंपिक में मेडल बढ़ेंगे। देखिए जब हम कुश्ती करते थे उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी पर हमारे दौर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी जब हमने 2012 में मेडल जीता तब भी सरकार बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करती थी और आज के दौर में और चीज़ें और भी ज़्यादा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कीमें बनाई गई हैं और उसी का ये नतीजा है कि हमारे खिलाड़ी हर चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं वो चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो एशियन गेम्स हो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक की बात हो पर खेल हो या चाहे कोई भी चीज़ हो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है सुधार करते रहना चाहिए और मेरा मानना है कि ग्रास रूट पे हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है जहाँ से हमारे चैंपियन निकलते हैं और चैंपियन निकलते हैं गांव देहात से हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं सब जूनियर होते हैं उन पे हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे मेडल आएंगे। आज के टाइम में हरियाणा उनसे आगे है क्योंकि 2 मेडल आए हैं कुश्ती में दोनों हरियाणा से हैं। मैंने अभी बताया कि प्रोत्साहन की जरूरत हमेशा रहती है हर फील्ड में रहती है जितना हम ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे जितना ध्यान देंगे उस चीज़ पे उतने ज़्यादा खिलाड़ी निकलेंगे इसलिए जो भी कमियां हों दूर कमियां हमेशा रहेंगी पर वो कमियां दूर करने का काम है कभी भी ये नहीं है कि यहाँ भी कोई कमी नहीं है कमियां हमेशा रहेंगी वो कमियां दूर करने का काम खिलाड़ी का भी है सरकार का भी है और जितने भी है आप जैसे हम जैसे वो दूर करने का काम चलता रहेगा। पहले आप एक
देखिए, हम पहले भी खिलाड़ी तो राज भी खिलाड़ी है, और मैं फिलहाल अकेडमी चलाता हूँ। लगभग 100 के लगभग बच्चे हमारी अकेडमी में, और हमारी कोशिश रहती है कि कोई अच्छा बच्चा जो गरीब परिवार से, उसको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर करवाएं, स्कॉलरशिप मिले उसको, जिससे उसके परिवार पे दबाव ना पड़े, वो अपना मतलब रेसलिंग करता रहे। लगभग 20-25 बच्चे हमने ऐसे ही स्पॉन्सर करवा रखे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, और हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मदद पहुँचे, जो प्रतिभा है वो निकल के अच्छी तरह बाहर आए और वो देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। खेलों में कोई खड़ा नहीं है, बस एक आप लगा सकते हो तो हॉकी में लगा सकते हो, पंजाब की टीम बड़ी अच्छी है, और हमारे तकरीबन जो ताकत के खेल है, पावर गेम है, चाहे वो बात कुश्ती की हो, कबड्डी की हो, बॉक्सिंग की हो, चाहे आप नीचो प्रण गोल्ड जैसे बाला फेंक की हो, जो भी ताकत का खेल है, तो हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादातर निकलते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट से तुलना करोगे तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं, और बजट भी सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार का है। खेल पॉलिसी जो बनाई है हमारा, हरियाणा सरकार की खेल पॉलिसी और स्टेट है, तो अपने खेल पॉलिसी के थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, खेल पॉलिसी अभी पहले जैसे कि बस पुलिस में लगते थे खिलाड़ी, अभी सरकार ने पुलिस की बजाय ये किया कि खिलाड़ी है तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट में उनको लो, कोचिज लो या डिप्टी डायरेक्टर लीजिए उनको, कि जिससे और वो उसी खेल में अपना योगदान दे सके और ज़्यादा खिलाड़ी निकल सके। पर हमने सरकार को एक और वो दिया कि हर खेल में एक, क्योंकि हर खेल का एक स्पोर्ट्स का अलग होता है, हर खेल में एक स्पोर्ट्स की टीम बने, हर उसमें सॉरी खेल में नहीं, हर डिपार्टमेंट में खेल की टीम बने, जिससे और ज़्यादा खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।